आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, न्यूज प्लस वन से मैं हूं ज़ारा खातून और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। देश भर में बने मौसमी सिस्टम, उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ देखा जा सकता है। एक तरफ रेखा पश्चिम उत्तर प्रदेश से दक्षिण बिहार और उत्तरी झारखंड होते हुए गंगा पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। एक और निम्न दबाव की रेखा छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और कर्नाटक होते हुए लक्षद्वीप तक फैली हुई है। एक चक्रवाती परिसंचरण 4 मई को दक्षिण अरमान सागर और आसपास के क्षेत्रों में विकसित हो सकता है। इसके प्रभाव में 6 मई तक उसी क्षेत्र में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, गंगा पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर बिहार और सिक्किम के कुछ हिस्सों और केरल के एक या दो हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। केरल के शेष हिस्सों, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी तट, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तेलंगाना, पूर्व उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दक्षिण राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। दिल्ली के कुछ हिस्सों, गुरुग्राम और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू से गंभीर लू की स्थिति बनी रही। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंतरिक ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रही। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, ओडिशा, केरल, दक्षिण कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्व उत्तर प्रदेश में एक या दो मध्यम बारिश के साथ हल्की बारिश संभव है। लक्षद्वीप के उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के रायलसीमा के कुछ हिस्सों, उत्तरी तट, आंध्र प्रदेश, पूर्व राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू संभाग, विदर्भ और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति संभव है।